केयरफुली चेक करना पड़ता है। अगर केयरफुली नहीं करोगे, गलती से आपका कहीं मल्टीमीटर गलत जगह लग गया तो दिक्कत आ जाएगी, या गलती से आपका कहीं हाथ गलत जगह लग गया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, सप्लाई दे दी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीमीटर को सेट करते हैं 600 वोल्ट एसी करंट पे, 600 वोल्ट एसी करंट पे सेट करते हैं। और देखो सबसे पहले हम कहां चेक करेंगे, सबसे पहले हमने पावर कहां दी थी, सबसे पहले हमने पावर दी थी यहां। यहां हम चेक करते हैं कितने वोल्टेज हमारे बन रहे हैं मल्टीमीटर पे, देखो कितने वोल्टेज बन रहे हैं, 229। मल्टीमीटर को उसमें लो ना वीडियो में, ठीक है ना, कितने वोल्टेज बन रहे हैं, 228 जो भी बन रहा है। अब देखो यहां, देखो यहां से वो वोल्टेज फ्यूज के थ्रू यहां है, ये देखो यहां आ गए, और ये ट्रैक साफ साफ हमारा यहां रखा है, वही वोल्टेज बन रहे हैं 230-240 ही। ठीक है, वो यहां से ट्रांसफार्मर से निकलते हुए कहां गए, यहां आया, ट्रांसफार्मर से निकलते हुए यहां आ गए हमारे, देखो यहां भी वही सेम वोल्टेज बन रहे हैं। वो ट्रैक दोनों यहां से ऐसे जाके कहां जा रखे हैं, ये जा रखे हैं, ये किधर चला गया, ठीक है, यहां देखो यहां भी हमारे सेम वोल्टेज बनेंगे, ये देखो वही वोल्टेज बन रहे हैं, ठीक है ना, वही 230 जो भी बन रहे हैं, ये हमारे वोल्टेज यहां भी वही बनेंगे, देखो वही वोल्टेज बन रहे हैं। अब यहां से देखो जम्पर लगा, कोयल डाल रखी है, वो कोयल डाल के यहां लाए, ये देखो हमारे वही 230 वोल्टेज बन रहे हैं। यहां से हमारा ट्रैक ये गया और ये जाके यहां आ गया ब्रिज रेक्टिफायर पे, और ये वाला जो हमारा ट्रांसफार्मर का ये यहां गया, यहां जाने के बाद यहां से यहां आया, और यहां से यहां आने के बाद यहां आ गया, देखो हमारे एसी बन रहे हैं, एसी कितने, वही 230, यानी कि कुल मिला के यहां से यहां तक क्या डाला गया, सारी प्रोटेक्शन की चीजें डाली गई, पहले फ्यूज डाला गया, फिर कैपेसिटर डाले गए एक प्रोटेक्शन देने के लिए, फिर उसके बाद क्या डाला गया, आपके ट्रांसफार्मर डाले गए, फिल्टर ट्रांसफार्मर जो मैंने अभी आपको बताए, वो फिल्टर ट्रांसफार्मर के थ्रू निकलते हुए सप्लाई यहां पे आ गई, यहां तक हमारी एसी सप्लाई है, यहां तक कौन सी सप्लाई है, एसी सप्लाई है। अब जो आउटपुट देगा है ब्रिज रेक्टिफायर, जो ब्रिज रेक्टिफायर आउटपुट देगा वो क्या देगा, डीसी देगा, और बहुत ही ज्यादा हाई फाई डीसी देगा, बिकॉज क्योंकि इसमें क्या है, दो डायोड एक दूसरी लाइन का भी और दूसरी लाइन का भी एक जगह किए होते हैं, तो वो क्या करता है, जैसे कि मान लो हमारे 200 वोल्ट यहां आ रहे हैं, तो 200 उस लाइन के उठा लिए, 200 उस लाइन के उठा लिए, तो समथिंग 400 के आसपास वोल्टेज बना देता है। तो देखो ये साइड हमारी नेगेटिव है, ये साइड हमारी पॉजिटिव है, नेगेटिव पे हमने नेगेटिव रख लिया, पॉजिटिव पे हमने पॉजिटिव रख लिया, देखो यहां कितने वोल्टेज बन गए, कितने वोल्टेज बन रहे हैं यहां, 316, जबकि हमारे पीछे से कितने आ रहे थे, 230, 228, ठीक है, यानी कि वोल्टेज बढ़ चुके हैं हमारे पहले से। अब ये कौन से वोल्टेज हमारे प्योर प्योर डीसी नहीं है, अभी डीसी में आ गए हैं ये वोल्टेज, लेकिन इसको प्योर बनाने के लिए हमने क्या लगाया है, आगे एक फिल्टर कैपेसिटर लगाया है, ये बड़ा यहां से सप्लाई मैंने आपको बता रखी है कैसे कैसे आएगी, इधर सेक्शन में ले जाएगी ये और इधर सेक्शन में लाएगी ये। अब यहां जो हमारे वोल्टेज बनेंगे मेनली यहां वोल्टेज बन जाएंगे, देखो मैंने उल्टी प्रॉब रख ली तो हमारे वोल्टेज कैसे आ गए, माइनस में आ गए, बट मैं सीधी प्रॉब रख रहा हूं तो मेरे वोल्टेज प्लस में आएंगे, एक ये देखो कितने वोल्टेज बन रहे हैं हमारे, 319-20। अब यहां से जो वोल्टेज निकलेंगे वो बिल्कुल प्योर डीसी निकलेगी, एसी साइकिल को ये क्या करता है, पोलराइज कैपेसिटर एसी साइकिल को बिल्कुल फिल्टर कर देता है, कोई कोई एसी साइकिल डायोड निकाल देते हैं, उसको ये फिल्टर करने के लिए ही लगाया जाता है, अगर हम इसको ना लगाएं तो सिर्फ क्या होगा, कभी कभी जैसे एसी साइकिल निकलेगी वो आगे चली जाएगी और वोल्टेज स्टोर होकर नहीं जाएंगे तो फ्लक्चुएट आने लगता है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होने लगती है, इसीलिए क्या होता है, हमारी फ्लक्चुएशन होगी तो हमारा सिस्टम जो है सही से वर्क नहीं करेगा, तो वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए और एसी साइकिल को साफ करने के लिए हमने ये कैपेसिटर डाल रखा है। अब ये वोल्टेज यहां से कहां चले जाएंगे, यहां से ट्रांसफार्मर पे यहां आ रहे हैं, ठीक है, तो समथिंग यहां, अब हम कहां चेक करते हैं, ये सेक्शन यहां से यहां आ गया, ज्यादातर यहां ये खराब नहीं होता, कभी भी जल्दी से खराब नहीं होगा, यहां वोल्टेज आपके बन जाएंगे, ये आउटपुट इधर देगा, ठीक है, इधर कौन सी आउटपुट देगा, यहां एसी आउटपुट देगा, ये ट्रांसफार्मर एसी आउटपुट देगा दोबारा से, लेकिन लो एसी होगी, वो बहुत ज्यादा हाई एसी नहीं होगी, लो एसी होगी, वो एसी निकलते हुए डायोडों के थ्रू कहां जाएगी, यहां जाएगी और ऐसे घूमते हुए लास्ट में वोल्टेज यहां बनेंगे आपके, लास्ट में एसी ही बनते हैं, नहीं लास्ट में यहां एसी निकाली इसने ट्रांसफार्मर ने, उसको डायोड के थ्रू क्या कर दिया गया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में कन्वर्ट करने के बाद उसको ये जो कंपोनेंट लगा रखे हैं ये क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को लो कर रहे हैं और भी ज्यादा रोक रहे हैं, रोकने के बाद जो हमें लास्ट आउटपुट मिलेगी वो डीसी मिलेगी, और डीसी कितनी मिलेगी हम यहां चेक कर सकते हैं कि कितनी डीसी हमें मिल रही है,
यहाँ देखो कितनी डीसी मिल रही है, कितनी डीसी मिल रही है 5.6, यानी कि हमारे 5 वोल्ट मिल रहे हैं, ये हमारे 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट हमारे ओके हैं। अब ऐसे हमारे कितने बनने चाहिए, 12 बनने चाहिए, या अगर कोई वोल्टेज बनने हो 3 बनने हो या जो भी बनने हो तो वो बनने चाहिए। तो हम यहाँ ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चेक करके देखेंगे, एक प्रोब कहाँ रख लेते हैं, एक नेगेटिव पे रख लेते हैं। देखो यहाँ भी हमारे कितने वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ भी हमारे 5 वोल्ट बन रहे हैं, तो यानी कि 5 वोल्ट वाली सप्लाई तो हमारी ये बिल्कुल प्रॉपर बना रहा है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। बट हमारी 12 वोल्ट वाली सप्लाई नहीं बन रही, दैट मीन जो 12 वोल्ट वाला ट्रैक है हमारा उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसके कंपोनेंट हमें चेक करने पड़ेंगे। देखो 5 वोल्ट वाली सप्लाई हमारी प्रॉपर ओके है सब जगह, ठीक है ना, टोटल जगह पे हमारी 5 वोल्ट सप्लाई प्रॉपर ओके है, ठीक है। इस तरीके से हम चेक करते हैं। दूसरी बात, इसको अनप्लग करने के बाद भी थोड़ी देर वेट करोगे। वेट करने से क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका जो कैपेसिटर होता है वो काफी देर तक चार्ज होता है। जैसे मैंने देखो प्लग निकाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ फिर भी वोल्टेज है, क्योंकि इसीलिए इसने अभी 200 से ऊपर वोल्टेज है इसमें। हाँ सर, तुम मोबाइल लिए आराम से ले जाना, तार वार मत बिठा लेना, एक तार अलग हो रखे हैं, बिठा के ले जाना, ये तार अलग रखना, कोई ये कहीं टच कर दे, ये तार टच हो तो दिक्कत आ जाएगी, बैटरी आ गई उनकी, हाँ तो ले ऐसे ले जाती है, ठीक है, बोल देना उनको तो क्लास दे दी, क्लास में लग रहा है, तार टच ना हो जाए वो कहीं, ध्यान रखिए नहीं तो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले वोल्टेज को डिस्चार्ज होने का वेट करेंगे। तब देखो जब कितने वोल्ट थे हमारे, 300 के आसपास थे प्लग निकालने के बाद भी, लेकिन अब कहाँ पे आ गए हम, 127 के आसपास हम आ गए। अगर हमने 48 वोल्ट से ऊपर का करंट छू लिया तो समझ लो हमें क्या लगेगा, झटका लगेगा, हम उस पर टच हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, करंट हमें छोड़ेगा नहीं वो, क्योंकि ये डीसी करंट है, और ये झटका भी नहीं मारता, ठीक है। अगर हम 48 वोल्ट से नीचे का छूते हैं तो हो सकता है झटका लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, वैसे 48 से नीचे नहीं लगता है, हल्का फुल्का ऐसा लगता है, एहसास सा होता है बस, पर फिर भी हमें छूना नहीं चाहिए, हमें इसको प्रॉपर डिस्चार्ज होने तक वेट करना चाहिए। अब देखो हमारे यहाँ पे कितने वोल्टेज बचे, 0 पे आ गए थे, देखो मैं चेक करके देखता हूँ कितने वोल्टेज आ गए, 4 वोल्ट आ गए हमारे, 4 वोल्ट बन रहे हैं हम यहाँ, 4-5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट की कोई वैल्यू नहीं, अगर हम हाथ से भी छू ले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये डिस्चार्ज क्यों होता है, रीजन क्या होता है, इस कैपेसिटर के अंदर ही एक इंटरनली क्या डाला होता है, हाई, बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू का मेगा ओम में वो डाला होता है रेजिस्टेंस, तो वो क्या करता है, इसको चार्ज होने के बाद जब ये चार्जिंग स्टोर कर लेता है तो उसको धीरे धीरे डिस्चार्ज कराता है, ठीक है। तो इसका थोड़ी देर वेट करना, सबसे मेन चीज यही ध्यान रखनी है। वैसे तो प्रॉब इस तरीके से पकड़नी है जैसे मैंने इस तरीके से प्रॉब पकड़ी हुई थी, कभी भी चेकिंग करोगे तो इस तरीके से ऐसे प्रॉब चेक पकड़ोगे, कभी भी ऐसे तिरछी प्रॉब नहीं पकड़नी है, वो अगर दूसरी जगह टच होगी तो फॉल्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं होल्ड टेस्टिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपके यहां तक वोल्टेज बन रहे हैं, मान लो आपके यहाँ 350 वोल्टेज, 450 वोल्टेज या 400, 300, 200 जो भी बन रहे हैं वो यहाँ वोल्टेज बन रहे हैं, दैट मीन जो मैंने पीछे का सेक्शन बताया आपको वो आपको प्रॉपर ओके है, और यहाँ तक ही 90% प्रॉब्लम आती है हमारे सिस्टम में। अगर हमारा SMPS खराब है तो 90% प्रॉब्लम जो आएंगी वो यहाँ तक आएंगी, इससे पीछे पीछे, ठीक है। अगर ये हमारा ओके है तो प्रॉब्लम हमारी फिर इस सेक्शन में आती है, ये हमारा स्टेप डाउन सेक्शन होता है, ये हमारा हाई सेक्शन होता है, हाई वोल्टेज सेक्शन होता है, स्टेप डाउन सेक्शन होता है, यानी कि लो वोल्टेज सेक्शन हो गया, ठीक है। तो हम दोनों सेक्शनों को इस तरीके से चेक करते हैं। सर यहाँ से तो वोल्टेज डाउन हो गया ना, हाँ अभी खत्म हो चुका है, देखो चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बचा, सिर्फ 5 वोल्ट बचा है, 5 वोल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, खास कुछ नहीं होता। अगर कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे सोल्ड करते हैं, कुछ मिस्त्री लोग क्या करते हैं, इसको सोल्ड कर देते हैं। देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सोल्ड कर लो, सोल्ड करने से क्या होता है, कभी कभी यहाँ धब्बा पड़ जाता है, जल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये काफी हैवी वोल्टेज होता है, एकदम से सोल्ड टाइप का करता है, तो उसके लिए हमें 1 से 1.5 या 2 मिनट वेट करना होता है। अगर इसको सोल्ड भी करना चाहो तो कैसे करोगे, आपको क्या लेना चाहिए, एक 100 वाट का बल्ब लेना चाहिए और उसके जो दोनों वायर है वो यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दो 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में इसको डिस्चार्ज कर देगा, एक बार वो जलेगा इसको डिस्चार्ज कर देगा, तो उस तरीके से भी आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हो, वो ज्यादा बेनिफिट वाला तरीका है, क्यों, क्योंकि उससे ये फायदा कि यहाँ पे कोई धब्बा या दाग नहीं पड़ेगा। अच्छा, और सर मैं एक चीज पूछ रहा था, यहाँ पे 350 वोल्ट से वोल्टेज बनते उसके आगे जाने के बाद कैसे वो डाउन हो जाते हैं, पता नहीं वो डाउन ऐसे होंगे ना, वो यहाँ से वोल्टेज यहाँ आएंगे इस ट्रांसफार्मर पे, ये ट्रांसफार्मर, अच्छा। और ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन का काम करता है, ये वोल्टेज को डाउन करेगा, अच्छा, ठीक है। अब जो इसके इन्वर्टर सेक्शन में देखो ट्रांसफार्मर होते हैं ये वाले, ये ट्रांसफार्मर हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये क्या करेंगे वोल्टेज को बढ़ा देंगे, लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को घटा देगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ से वोल्टेज लिए और यहाँ घटा के निकाल दिए,
अब उन वोल्टेज को बिल्कुल प्योर करके मतलब एक तरीके से फिल्टर करके यहाँ पे दे दिया गया, यानी कि वोल्टेज में यहाँ पे क्या होगी फ्लक्चुएशन नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, और वो एसी वाली जो साइकिल बोल रहे थे आप, एसी वाली साइकिल के लिए इन्होंने डायोड देखो डाल रखे हैं, ये डायोड डाल रखे हैं, उसने उसको फिल्टर करके डीसी में कन्वर्ट कर दिया। देखो यहाँ डायोड डाल रखा है, ये डायोड डाला हुआ है, ये भी डायोड है आपका। अच्छा नहीं वो तो है, लेकिन जो एसी ये देखो यहाँ पर तो हमारा प्योर डीसी है ना, यहाँ पे डीसी था, इन्होंने स्विचिंग करा के फिर एसी बनाया। अच्छा। वो एसी कहाँ गया, इस ट्रांसफार्मर पे चला गया, इस ट्रांसफार्मर ने आउटपुट लो करके दी, वोल्टेज को लो करा, ठीक है। वोल्टेज को लो करने के बाद में यहाँ देखो क्या हुआ, एसी आया, एसी को दोबारा से डीसी में कन्वर्ट किया गया, किसके थ्रू, डायोड के थ्रू। अच्छा। ठीक है, डायोड के थ्रू दोबारा से डीसी में कन्वर्ट कर दिया गया। देखो आपका जो ये होता है ये तो प्योर डायोड होता ही होता है, आपको पता है, क्लियरली सभी को पता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है उसको पता है कि ये हमारा डायोड होता है, बट ऐसे भी हमारे डायोड ही होते हैं, ऐसे हमारे डायोड ट्रांजिस्टर मॉस्फेट कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो यूज किया गया ये हमारा डायोड है, ठीक है। उसके बाद यहां से इन्होंने क्या किया, वोल्टेज को डीसी कर दिया, और डीसी बना के वोल्टेज कहां गए, फिल्टर कैपेसिटर पे गए। ये फिल्टर कैपेसिटर क्या काम करेगा, जो ये कर रहा था, यानी कि कोई साइकिल अगर आपकी एसी निकल जाए तो उसको फिल्टर करेगा प्लस वोल्टेज को फिक्स करेगा। जैसे एज ए एग्जांपल यहाँ पे कितने वोल्ट का कैपेसिटर डाला हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर डाला हुआ था, ये 25 ही वोल्ट आगे पास करेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 24 करे या 22 करे, हमेशा 25 ही वोल्ट पास करेगा, चाहे पीछे से अगर आपकी यहाँ से सप्लाई कम हो गई, यहाँ सप्लाई कम आई और इसने और भी कम कर दिए, तब भी ये पूरे 25 ही आगे निकालेगा। क्यों, क्योंकि पहले ये वोल्टेज जो भी पीछे से आ रहा होगा अपने अंदर लेगा, फिर प्रॉपर 25 बनाएगा अपने अंदर स्टोर करके, अपने आप को फुल चार्ज करके, तब आगे 25 देगा, हमेशा 25 ही देगा आगे। 25 देने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आगे और भी कुछ प्रोटेक्शन के लिए इधर दूसरी साइड में हमारे कुछ कंपोनेंट लगाए गए हैं, इनमें हमारे जीनर डायोड वगैरह होंगे, जीनर डायोड क्या करेंगे, वोल्टेज को फिक्स करेंगे, जो आपको सिखा रखा है बेसिक में कि वोल्टेज को फिक्स करते हैं, वो डायोड क्या करेंगे, वोल्टेज को फिक्स करेंगे। एज ए एग्जाम्पल जैसे हमें 5 वोल्ट चाहिए तो 5 ही बन रहे हैं, अभी 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी खराब है तो हमें कंपोनेंट चेक करने पड़ेंगे कौन सा हमारा कंपोनेंट खराब है जिससे हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा एसएमपीएस काम करता है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये जो सेक्शन दे रखा है ये उधर वाला सेक्शन सारा सप्लाई सेक्शन है, बट इससे जो इधर वाला सेक्शन दे रखा है ये देखो ये सारा आपका इन्वर्टर सेक्शन है। इन्वर्टर सेक्शन किस लिए काम आता है, इन्वर्टर सेक्शन आपका इसलिए काम आएगा कि जैसे आपका बैकलाइट है पैनल के पीछे जो बैकलाइट होगी सिर्फ उसको जलाने के लिए वो होता है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए इधर की सेक्शन में तो क्या होगा, पैनल के पीछे जो लाइट होंगी वो नहीं जलेंगी, पैनल के पीछे की लाइट नहीं जलेंगी आपकी, और जो आपका पिक्चर होगी वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, पहले हमें ये चेक करना होता है कि यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इसके आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिलेंगे हमें, यहाँ मिलेंगे इन पॉइंटों पे, ठीक है। एज एग्जांपल जैसे कि ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है। अगर हमें इन पे वोल्टेज मिल रहे हैं तो हमारा क्या है ये ओके है, फिर प्रॉब्लम कहाँ होगी, हमारी बैकलाइट में प्रॉब्लम होगी। अगर हमें किसी पे वोल्टेज यहाँ नहीं मिलते तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, इस बोर्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका सेक्शन भी अलग अलग स्टेप बाय स्टेप सेक्शन है, ठीक है। वो जब आपको मैं एसएमपीएस का वो पढ़ाऊंगा, मतलब इन्वर्टर सेक्शन पढ़ाऊंगा, तब कल करा दूंगा, ठीक है। ठीक है।